हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनीस। देखिए, मेरे पास ये एक मिर्ची गुड़हल का पौधा है जिसमें फूल पूरे नहीं खिलते हैं। और देखिए, मैंने इसको एक कटिंग से लगाया था और देखिए इसकी कटिंग कुछ इस टाइप की थी। ये देखिए, कुछ इस टाइप की कटिंग थी। और देखिए इसमें कितने सारे फ्रूट्स निकले हैं। ये देखिए, इसमें तकरीबन 20 से 25 फ्रूट्स हैं। और आपको इसके अगर मैं रूट्स दिखाऊँ, ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए वाइट वाइट सी दिखने लगी हैं। ये सारी इसमें अगर रूट फाउंडेशन हो रहा है, इस वजह से अब हमें इसे रिपोर्ट करना होगा। इसको रिपोर्ट करने के लिए हमने इससे बड़ी साइज़ की थोड़ी सी थैली ली है। ये हमारी जो वो खाते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेड खाते हैं, उस ब्रेड की जो है हमारी ये थैली है। इस थैली में हम इसे रिपोर्ट करेंगे। इसे रिपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस थैली को पढ़ना होगा, ठीक है। उससे पहले हम अपना सॉइल मिक्स बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसे नाप लेंगे, ये हमारा कहाँ से आ रहा है और हमें इसे कहाँ तक लगाना है। यहाँ तक आ रहा है, हमें इसे यहाँ तक फिलअप करना है, ठीक है दोस्तों। हमें इसमें तकरीबन नीचे साइड 2 इंच पहले फिलअप करना है। मैं इसे डीपर पॉट नहीं देना चाह रहा, इसे वाइडर पॉट देना चाह रहा हूँ। पर मेरे पास अभी वो एक्चुअली वो पॉट नहीं है जिसमें मुझे लगाना था। तो अभी इसे मैं 2 से 2.5 महीने इसी में रखूँगा, उसके बाद फिर मैं इसे रिपोर्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, नीचे ये हमारे पास ये सड़ा हुआ भूसा है। हम नीचे इस भूसे को डाल देंगे ताकि इसमें हमारा समर सीजन में इसमें मॉइस्चर जो होगा वो इजीली मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम इसमें ये देखिए, हम इसमें इसको फिलअप किए दे रहे हैं अच्छे से। तो सब ये कम पड़ रहा है, तो अभी इसे और लेकर के आ रहा हूँ। नहीं दोस्तों, चलिए इसे मैं इसे थोड़ा सा भी निकाल ले रहा हूँ इतना लगभग। और इसे डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ये नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों, ये इसमें एक्चुअली दिक्कत कर देगा, ये दिक्कत कर देगा दोस्तों। नहीं, इसमें यही डालूँगा, ये देखिए। और मैं देखिए दोस्तों, मैंने अपना पॉटिंग मिक्स रेडी कर लिया। इसमें 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट जो है भूसा, और 1 पार्ट मैंने इसमें सॉइल लिया हुआ है। और हमें केवल लगभग हमें इतना ही जरूरत पड़ेगा, ज़्यादा जरूरत नहीं, ज़्यादा और ज़्यादा लगेगा। तो हम इसमें इसको भी हाफ और मिला देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सॉइल और मिला लिए हैं। एक्चुअली भूसा भी डिकम्पोज होकर डिकम्पोज हाफ हो चुका है, और ये भी हमारे लिए फर्टिलाइजर का ही वर्क करेगा। दोस्तों, मैंने कुछ डीएपी के दाने डाल दिए इसमें, कुछ डीएपी के दाने कुछ ही डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं इसको भी मिला दूँगा फिर से। ये लीजिए, अब ये हमारा बिल्कुल लग करके तैयार हो गया, और लगने के लिए सॉरी तैयार हो गया। हम इसको इसमें अपने रखेंगे ताकि हमारा नीचे पॉटिंग मिक्स ना गिरे। पॉटिंग मिक्स थोड़ा सा पहले इसमें फिलअप करेंगे, इसे प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी कॉर्नर में हमारा एयर गैप ना रह जाए, क्योंकि एयर गैप ही प्लांट को डेड कर देता है। उसके बाद अब हम अपनी इस पॉलीथीन को निकालेंगे, इसे हम फाड़ देंगे। तो इसे हम देखिए फाड़ते हैं। देखिए, हमें इसे ऐसे पूरा फाड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने ऐसे पूरा फाड़ दिया। ये देखिए, हमने इसे फाड़ दिया है। अब हम इसे इसमें लगा देंगे।
रखा, ये हमारा यहाँ तक आ रहा है। हमें इसे जैसी शेप देना होगा हम वैसे ही से रख लेंगे। इसे हमारे जो बोनसाई ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोनसाई नहीं ग्रो करना चाहता, मेरा मन नहीं करता बोनसाई के लिए। बट हाँ, स्मॉल साइज के लिए प्लांट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, अपनी इसे थोड़ा और ऊँचा कर लेंगे। इसे बीचों बीच रख करके हम अपना इसमें पॉटिंग मिक्स पूरा फिलअप करते हैं। ये देखिए, हमने इसे इतना फिलअप कर लिया। इसके बाद हमने इसे ऐसे फिलअप किया और इसे अब हम पहले थोड़ा सा पहले सेटल कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, हमें इसे सही से फिलअप करना होगा। अब ये हमारा लगभग फिलअप हो आया है। और ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा लगभग तैयार हो गया। और थोड़ा सा हम इसमें प्रेस कर देंगे और ऊपर की थोड़ा सा फोल्ड भी देंगे ऐसे कि ये हमारा इजीली इसमें बदल गया। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा प्लांट जो है लग करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा कि मेरा जो तरीका वो कैसा है। दोस्तों मैं अपने प्लांट्स को ऐसे ही लगाता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं चलते हैं, बट मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो कि कैसे मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके साथ फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।